नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हनुमान नायक। ये खड़ी है अर्बन क्रूजर हाई राइडर 2023 मॉडल और ये है बेस मॉडल। ये जो DRL है, एज ए DRL काम करता है और इंडिकेटर जैसे भी काम करता है। और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऐसा बड़ा सा ग्रिल आता है ब्लैक कलर वाला। ये है DRL और हेडलाइट का, और अभी प्रोजेक्टर हेडलैम्प कुछ इस तरफ आता है। इसका साइड लुक है, कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में तो बहुत बढ़िया दिखता है, जो बड़ा वाला ऐसे भी दिखता है ना, ऐसा दिखता है। ये है अपोलो का टायर्स, 215/60 R17 का प्रोफाइल है। जो ये टायर्स है ना, एक्चुअली स्पेशल टायर्स है कुछ। एक्चुअली ये है मड प्लस स्नो का टायर्स है, कुछ इस तरफ आता है टायर्स। मतलब आप लोग डायरेक्ट मड और स्नो में ड्राइव कर सकता है इस टायर के लिए। ये है पीछे सा लुक, कुछ इस तरह दिखता है। और जो है ब्रेक लाइट जो भी है, तो एक्चुअली दोनों भी LEDs है। टर्न इंडिकेटर सभी ये हैलोजन है, रिवर्स लाइट्स भी। ये है अर्बन क्रूजर हाई राइडर का बैडजिंग। ये है नियो ड्राइव ई वेरियंट, कुछ इस तरफ दिखता है लोगो। और नीचे इसके नीचे एक माइक्रो सेंसर भी है। ये है बूट स्पेस, बूट लाइट भी नहीं आता है, कुछ सॉकेट भी नहीं आता है, सिर्फ पॉकेट्स खाली। और ये है स्पेयर टायर, ये भी एक्चुअली सेम साइज है, कुछ टूल्स वगैरह। पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं आता है, बस सिर्फ सिंपल बेसिक का है। थोड़ा बूट स्पेस कम लगता है लेकिन ठीक है। ये कुछ पीछे सा लुक। ये है फ्यूल लिड ओपनर, बैक सीट का एक्सपीरियंस। तीन हैंडरेस्ट के साथ तीन थ्री पॉइंट सीट बेल्ट भी आता है। और ये है आर्मरेस्ट, और ये एक्चुअली फोल्डेबल भी है, 60-40 वो भी फोल्ड हो जाता है। और ये रेक्लाइन एडजस्ट करने का ऑप्शन भी है। ये है हैलोजन रीडिंग लैम्प, रियर एसी, कुछ USB या सॉकेट भी कुछ नहीं आता है। रियर से भी पावर विंडो आता है, कुछ इस तरह दिखता है डोर्स। और ये स्पीकर ग्रिल दे रखा है लेकिन इसमें स्पीकर नहीं है। कुछ इस तरह दिखता है बैक से डैशबोर्ड लुक, क्लीन एंड मिनिमलिस्टिक है, पूरा ब्लैक ही है कलर्स। ये हैलोजन है, एक्चुअली इधर एक रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है, ड्राइवर साइड भी आता है, कुछ इस तरह दिखता है। पूरा ब्लैक डोर्स एक्चुअली, पावर विंडोज, फ्रंट में स्पीकर ग्रिल और स्पीकर भी है एक्चुअली इसमें। और ये है ऐसा दिखता है फ्रंट से, कुछ एक्चुअली फैब्रिक सीट्स है, बहुत कंफर्टेबल है। ये डैशबोर्ड्स, हेड लाइट वाइट कुछ नहीं है, नॉर्मल गियर लीवर, पूरा हॉट प्लास्टिक है। ड्राइवर साइड भी एक रिक्वेस्ट सेंसर आता है। ये है ड्राइवर डोर का डिज़ाइन, पूरा ब्लॉक है, प्लास्टिक थोड़ा फैब्रिक है। ये पावर इंडोर कंट्रोल स्विच, लॉक अनलॉक, और ये मिरर का कंट्रोल है, फोल्डेबल और एडजस्टमेंट भी है। ये ORM आता है विथ टर्न इंडिकेटर्स। ये वन टच विंडो रोल डाउन, वन टच अप, कुछ इस तरफ दिखता है ड्राइवर स्टीयरिंग सभी। वो स्टार्ट बटन्स है, ये है कुछ इस तरह लुक आता है कंसोल का। ये हेडलाइट लेवलर, बूट ओपनर और फ्यूल लिड ओपनर, आर्मरेस्ट भी आता है बीच में, हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है। ये ऑटोमेटिक AC, ट्रैक्शन ऑफ, ये ऑटो स्टार्ट ऑफ है। और ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, कुछ USB से नहीं आता है इससे इधर। बीच में टॉगल का स्विच, मिरर, और दो लाइट्स आता है उसमें, बाकी सनवाइजर विथ मिरर्स है दोनों साइड का। ये
इसमें भी है ब्रश और टोयोटा का इस तरफ ये टोयोटा का स्टेयरिंग है विच कंट्रोल्स कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ देना है कुछ सिस्टम दिया तो अगर इधर से कंट्रोल हो सकता है और इधर तो पूरा खाली है। और ये है गियर लीवर, 5 गियर्स आता है और एक रिवर्स वाला, तो सिंपल बेसिक का है। ब्रेक के 15 सीरीज एक्चुअली ये है ना लाइक मारुति सुजुकी का इंजन है कुछ इस तरह दिखता है, एक्चुअली माइल्ड हाइब्रिड है, कुछ अंडर प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, पूरा खाली खाली दिखता है। या बेस पेरेंट लो या टॉप पेरेंट ऐसा है। ये इंजन का कुछ इंसुलेशन है, अच्छा है, कुछ साउंड भी नहीं आता है, आवाज़ नहीं आता है, ठीक है।